हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। आज हनुमान जन्मोत्सव आए, जहां चिरहुला मंदिर का जिला कोर्ट, राम सागर मंदिर का हाई कोर्ट और खेम सागर मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तीनों मंदिर की विशेषता यह रही कि तीनों एक साथ स्थापित किए गए रहे। रीवा के राजघाट में त्रिवेणी संगम में बजरंग बली मंदिर में ही कांग्रेस नेता लखनलाल खंडेलवाल के नेतृत्व में ही हनुमान चालीसा के पाठ करके हनुमान जन्मोत्सव मनावागा। देखिए हनुमान जन्मोत्सव के झलकी। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इसलिए हम सर्वप्रथम आज हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। क्योंकि हमारा जन्म तो रीवा में हुआ है, तो हम बचपन से ही चिरहुला स्वामी में आ रहे हैं। आज यहाँ राजघाट ये त्रिवेणी संगम है, इधर से बिहार और सोन आती है और इधर बिछी आती है। ये हम जहाँ पर अभी बैठे हैं हम लोग नाव में, ये संगम है, त्रिवेणी संगम। और ये सामने हमारे हनुमान जी हैं, संगम वाले हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनसे जो भी जो मांगता है उसके कार्य पूरे होते हैं। आज जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी और उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन कर बड़ी धूमधाम से और भव्यतापूर्ण तरीके से मनाए हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान में ही 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एमएसपी के साथ है कई एक मुद्दन का लेके एमएसपी के कानूनी गारंटी दो अभियान चलावा जा रहा है। एमा ही जिला भरे के अलग अलग जगह में जल सत्याग्रह कहके किसान चौपालन के आयोजन करवावागा। वहीं अभियान के समापन में ही संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय 7 सदस्यीय संयोजन समिति के सदस्य और जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज, जहां किसानन से त्योथर के किसान महापंचायत में अधिक से अधिक लोगन के पहुंचे के अपील करी नहीं भाई। बुलेटिन के अगली खबर शहडोल से है, जहां बीता दिना सूदखोरी के विरुद्ध ऑपरेशन शंखनाद में भय कार्रवाई में जिया फैशन के संचालक मुनव्वर के ऊपर कार्रवाई के बाद मकान मालिक अब्दुल दुकान खाली करावे के दबाव बनाए रहे। पीड़ित मुनव्वर बताएं कि मकान मालिक अब्दुल रशीद दुकान खाली करवावे का कह रहे हैं, जबकि अब्दुल रशीद के समझौता के आधार में ही दुकान के निर्माण और सजावट में लाखन रुपया खर्च कर देगा। 5 लाख रुपए फाइनेंस हुआ था। अच्छा, 5 लाख रुपए फाइनेंस कराने के बाद में वो एक हाल बनाया था, 5 लाख खत्म हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो बोले कि ये आप ले लो मुनव्वर भाई, मैं नहीं बना पा रहा, इसको पूरा नहीं कर पा रहा, आप कुछ करो, इसमें कुछ करो, दुकान खोलो कुछ, तो मेरे को भी किराया मिलेगा, तो मैं किस्त दूंगा, मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने उसको बनाया, 2017 में दुकान खोली, 2016 में ले लिया था, किराया देना चालू कर दिया था रशीद भाई को। हाँ। उसके बाद में 17 में दुकान खोली, पूरा फर्नीचर बनाया, वो केवल उनका 5 लाख रुपये लगा जो बैंक से उनने लिया था जी। और पूरा जो है पूरा फर्नीचर ऊपर पूरा मैंने बनवाया, नीचे पूरा टाइल्स फाइल्स जो लगा है पूरी चीजें मैंने लगाई उसमें, मैंने लाखों रुपया खर्च किया, दुकान खोल दिया 2017 में। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां 5 साल के मासूम दरिंदगी के शिकार हुए से बच गए। मामलागढ़ थाना क्षेत्र के आए, जहां होए वाले एक कार्यक्रम में मासूम दुष्कर्म के शिकार हुए से बची। गनीमत यह रही कि बच्ची की किस्मत अच्छी रही, जो उनके कार्यक्रम में मौजूद लोग घटना स्थल में पहुंच गए, जहां आरोपी मासूम का छोड़ के भाग गया। बतावागा के मासूम का टाफी के लालच दे के आरोपी अपने साथ ले गया रहा, जहां कार्यक्रम के दौरान या मेर के घटना का अंजाम दे के कोशिश कीन गए। हालांकि पुलिस आरोपी का गिरफ्तार कर लीन हवे। सिगरौली जिला के जैन चौकी क्षेत्र में ही लक्ष्मी मार्केट जैन मां 28 साल के एक युवक शराब के नशा में खुद का चाकू मार के आत्महत्या कर लीन। पहले युवक शराब पीन और के बाद चाकू लेके अपने पैर में मार लेन। वहीं लहूलुहान हालत में परिजन उनका अस्पताल इलाज खातिर लेके पहुंचे, जहां युवक इलाज के समय दम तोड़ दी ही। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से है, जहां एक बिटिया अपने बॉयफ्रेंड के घरे के बहरे धरना बैठ गई। बिटिया के कहा है कि चाहे कुछ हो जाए शादी वही लड़का से करी। वहीं लड़का शादी खातिर राजी नहीं आए, मौका पर पुलिस पहुंच के समझाए, जेके बाद बिटिया वहां से हटे का तैयार नहीं भय। लड़की बताए कि सरकारी कॉलेज बैढ़न में 3 साल पहले रंजीत शाह से मिली रही, जहां उनका दोस्ती प्यार में बदल गए। वहीं शादी के झांसा दई के युवक कई साल उनके साथ शारीरिक संबंध बनावत रहा और अब शादी करे से मना कर रहा है। अनशन पे बैठनी है, चक्का जाम करने की स्थिति बन रही है,
क्या स्थिति हुई कि ये आप करने के लिए मजबूर? लड़का फरार है, शादी नहीं कर रहा है। कौन लड़का है, क्या पूरा मामला बताइए ना। अंजलि साहू 3 साल से हमसे शादी का नाटक किया, हमसे प्यार किया, हर एक चीज किया, शारीरिक शोषण भी किया, हमें छोड़ा है। थाना में हमारे यहाँ आया, हमारे घर वाले उसको 100 नंबर फोन किए और उसको बरगवा थाना ले गए। बरगवा थाने में हमसे समझौता किया, बोला कि शादी करेंगे, अब शादी करने से मना कर रहा है। हमारी स्थिति आ गई है रोड की कदर, हम कहाँ जाए, उनका ये कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं। दोनों के लोग के बीच में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि वो मना कर रहा है? हमें नहीं पता है क्या स्थिति, उसके घर वाले दबाव डालते हैं। चुप रहिए ना, जो हम सच्चे बताते हैं, हम सने नहीं देते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रोड में हमको नहीं जाना, उसके घर जाना, उससे शादी करनी है, और हम कुछ नहीं जानते। हमारा इतना बिजी हुआ, हम कहाँ जाएंगे बताइए। सीधी के चुराहट से आवे वाले पूर्व विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल अब जनता दरबार लगाए के सुर्खी बटोरा लाहमा। भोपाल से आए के बाद बिहनन से लोग अपने समस्या का लेके उनके घरे जा था, काहे से कि उनका लागत है कि उनके समस्या के निदान वहां तुरंत हो जाए। वह ग्रामीण बताएं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जौन या जनता दरबार लगाए रहे हैं वह उनका राज के काम ना आए, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह अपने जमाने से घरे में जनता दरबार लगावे के प्रक्रिया शुरू कर दिए रहे हैं, जौन के आज तक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड विधान के प्रावधानन के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए खातिर NSUI ज्ञापन सौंपी है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी और शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने SP साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये थी कि जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उन पर FIR दर्ज करवाने के गलत तरीके से दिग्विजय सिंह का गलत ट्वीट हो गया था, जिसको उन्होंने गलती मानकर डिलीट भी कर दिया, जबकि इसी प्रकार खरगोन मामले को हुआ है अभी वर्तमान में, अभी इसी प्रकार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, मैं चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के ऊपर भी मामला दर्ज हो। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां रीवा शहर में समान मोहल्ला में रहने वाले मिश्रा परिवार के 14 महीना के बेटा अपने परिवार के नाम रोशन कई के वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करवाए के इतिहास दर्ज कर ली है। अपना बताए दी के 2 महीना पहले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आयोजित साक्षात्कार में ही 26 देशन के झंडा का पहचाने के साथ है उनके राजधानी के नाम बच्चा बताएं, जो उनके कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मानिन के सबसे कम उम्र में तेज याददाश्त की बच्चा है। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 months के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से, फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की, लेकिन हमने देखा कि इनको एक या दो बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, थर्ड टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईजिली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं, तो इस तरीके से सफ़र चला इनका। बींग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ यशस्वी के लिए। ऐसे तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन उनके लिए हमने नहीं की, लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, तो हमने इसको एक चैनलाइज दे दिया। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर देखे खातिर देखा त्री मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।